हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद आकिब, परसुइंग बैचलर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इट्स वीडियो फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, कंसल्ट योर मेडिकल अथॉरिटी फॉर एडवाइस। आज का वीडियो डिसीज एंड देयर ट्रीटमेंट सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम बीमारी के बारे में तथा लक्षणों के बारे में और डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। जिस बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मलेरिया। मलेरिया की पूरी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे, सो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज हम देखेंगे मलेरिया टाइप्स, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डोजेस। मलेरिया की डिफिनेशन एंड टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, सिम्टम्स इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ट्रीटमेंट के समय कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, डोज एक दिन में कितनी मेडिसिन या कितनी टैबलेट देनी चाहिए। मलेरिया इज अ डिसीज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट इज सेपरेट टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। अगर मैं आपको सरल भाषा में मलेरिया फीवर समझाऊं, ये एक प्लाज्मोडियम से होने वाला इन्फेक्शन है और मच्छर के काटने से होता है। टाइप्स ऑफ मलेरिया, फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकेंड वन इज फॉल्सीफेरम मलेरिया, थर्ड वन इज प्लाज्मोडियम ओवेल, फोर्थ वन इज प्लाज्मोडियम मलेरिया। बेसिकली ये चार प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम दो ही इसके टाइप्स कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड सेकेंड वन इज फॉल्सीफेरम मलेरिया। सिम्टम्स, सिम्टम्स कैन नॉट सीन एंड डू नॉट शो अप ऑन मेडिकल टेस्ट, लाइक एब्डोमेन पेन एंड मसल पेन, चिल्स, फीवर, नाइट स्वेट्स, सीवरिंग एंड स्वेटिंग, डायरिया, नोसिया और वोमिटिंग, फास्ट हार्ट रेट, मेंटल कन्फ्यूजन एक्सेट्रा। और कभी कभी हमें सर्दी लगती है और तेज़ बुखार आ जाता है, कमजोरी रहना, पेशाब करते समय जलन होती है, कोल्ड, कफ, फीवर, नोसिया, डायरिया भी हो सकता है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स या लक्षण नज़र आते हैं तो आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट का नाम एमपी मलेरिया पैरासाइट टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नाउ वी विल सी द फर्स्ट टाइप ऑफ मलेरिया फीवर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अ प्रोटोजोन दैट इज द मोस्ट कॉमन मलेरिया पैरासाइट ऑफ ह्यूमन कॉजिंग वाइवेक्स मलेरिया। ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट इज द मेडिकल केयर गिवन टू अ पेशेंट फॉर एन इलनेस और इंजरी, इट्स नोन एज ट्रीटमेंट। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट, फर्स्ट टैबलेट लैरिगो डीएस एंड सेकेंड टैबलेट मेलेरिड डीएस। नाउ वी विल कवर इट्स डोज। लैरिगो डीएस की डोज जो दी जाती है 500 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम एक दिन में दो बार दी जाती है, और अगले दिन मतलब 24 घंटे होने के बाद 500 मिलीग्राम की टैबलेट और दी जाती है, और इसकी डोज तीन दिन तक सेम रूटीन पर चलती रहती है। और इसकी दूसरी टैबलेट मेलेरिड डीएस टैबलेट है, और इसकी डोज वन टाइम आ डे मतलब एक दिन में एक ही बार ली जाती है, और ये 15 दिन तक दी जाती है। और इन दोनों टैबलेट या दवाओं के साथ मीठा दूध देने की सलाह दी जाती है। सेकेंड टाइप इज फॉल्सीफेरम मलेरिया। फॉल्सीफेरम मलेरिया में जो टैबलेट दी जाती है, टैबलेट लुमेरेक्स 80 के नाम से आती है, और इसकी डोज तीन दिन होती है। 8 घंटे होने के बाद दो टैबलेटें दी जाती हैं, और अगले दिन मॉर्निंग और इवनिंग में दो टाइम देते हैं। और बाय चांस ये भी होता है, हम टेस्ट भी करा लेते हैं और टेस्ट हमारा नेगेटिव आता है, मतलब टेस्ट में मलेरिया फीवर नहीं आता है, तो उसके सिस्टोमेटिक के लक्षण के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे बुखार नहीं उतरता है तो पीसीएम 650 एमजी की दिन में दो बार या तीन बार टैबलेट दे सकते हैं। और कुछ और भी लक्षण दिखते हैं, जैसे नोसिया के समय पेंटाप्रोटोजोल और डोमेंडोन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, और रेनिटिडीन एंड डोमेंडोन का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। इसमें फीवर आता है, वीकनेस भी हो जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट का भी इम्बेलेंस हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो जाता है तो हम इसमें ORS मींस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट हम वाटर के साथ ले सकते हैं। मैंने ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए बनाई है, अगर आप इस वीडियो को देखकर अपना इलाज करते हैं तो वो आपका रिस्क अपना खुद का होगा। यदि ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका अपना दोस्त मोहम्मद आकिब, और आप देख रहे हैं आकिब फार्मेसी।
थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजेस।